हाय गाइस, वेलकम टू सर्किट ट्रेडर्स। बहुत अच्छा दिन रहा है गाइस। जो बैंक निफ्टी के अंदर ब्लास्ट आने वाला था, वो पॉजिटिव ब्लास्ट ना आके नेगेटिव ब्लास्ट आया है। रीज़न क्या है? रीज़न है HDFC के ऊपर होश न्यूज़। मैं क्या बोलता हूँ, टेक्निकल चार्ट तब फेल हो जाता है जब कोई ठोस और खास न्यूज़ मार्केट में इफेक्ट डालता है। ओके, तो चलिए गाइस, कल है एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी डे में फॉर्मूला क्या होगा, आपको कौन सी लेवल पे एंट्री लेना है। देखो, अगर मैं बोलूंगा कि मार्केट ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, ये होगा फलाना ठिकाना, कोई काम नहीं आएगा। हमें प्रॉपर एंट्री पॉइंट जानना चाहिए कि मैं कहां पे एंट्री लूंगा, एक दो ट्रेड लेके मैं प्रॉफिट लेके बैठ जाऊंगा, सही कि नहीं। वही चीज मैं आज के वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप कल का दिन पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते। और मैं बैंक निफ्टी को बताऊंगा, भाई बैंक निफ्टी तुमसे लूंगा मैं चैलेंज, हरा के दिखाना। हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करता है, हमारे को हराने के चक्कर में रहता है और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट दिलाने के चक्कर में रहते हैं। क्यों? उन लोग प्यारा है और हम तुम्हारा दुश्मन है। नहीं, हम चैलेंज लेंगे कि हम प्रॉफिट करके दिखाऊंगा कल। हाँ, जितने फॉलोअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको बताऊंगा कि आप लोग चैलेंज ले रहे हो कि कल आप प्रॉफिट करके दिखाओगे। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। चलो, तो कैसे प्रॉफिट लूंगा, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कल का न्यूट्रल व्यू लेके चलना है। बिल्कुल न्यूट्रल व्यू लेके चलना है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, छोड़ दो। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो और लेवल समझ लो कि कल इस लेवल पे आएगा, थोड़ी सी रिवर्स का सिग्नल दिखाएगा, मैं यहां पर बाइंग करूंगा। अब बताओ, आपको क्या यह लेवल पता था कि मार्केट आज यहां से रिवर्सल होगा? अब बताओगे सर, आप अगर बताओगे ना आपको पता है तो आप झूठ बोलोगे। भाइयों, एक बार ऑनलाइन क्लास में आके देखो कि ये पॉइंट आपको पता होता है कि नहीं। अब बोलोगे यहाँ पे भी बिजनेस नहीं। ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट आज क्यों यहाँ से वापस हुआ है, मार्केट क्यों यहाँ पे रुका हुआ था, मार्केट किस लेवल के बाद आपको अच्छा पुट साइड जाना था। जिन लोग कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते हैं उनको सारे पॉइंट पता है, पर आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको भी पता होगा, आज के बाद आपको भी पता होगा। तो चलो गाइस, मार्केट देखिए, मॉर्निंग ओपन होने के बाद से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आया। सपोर्ट लेवल था, जो सपोर्ट लेवल मैं हमारा टेलीग्राम चैनल पे हर रोज मैं आपको देता हूँ, और कल भी मैं ये सपोर्ट लेवल दिया था कि सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने के बाद मार्केट में और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। सो गाइस, आपको आप अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आज किस लेवल के बाद बड़ा फॉल डाउन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, 44,260 लेवल ये दिया गया था। क्या ये सही लेवल है? 44,260 कहाँ पे था? इस लेवल पे। उसका नीचे कहाँ था? 44,089 कहाँ पे था? देखो, मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों मार्केट सपोर्ट लिया? जो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये लेवल बताया था, S2 लेवल, तो S2 लेवल के पास मार्केट काफ़ी देर वेट किया, रेंज बनाया। जब S2 लेवल को ब्रेक हुआ तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया, जो कि हमारा अकाउंट ओपनिंग ग्रुप में हमने 44,000 का पुट दिए थे, 200 के ऊपर 44,000 का पुट बाइंग, और ह्यूज प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट मिला था। तो चलो, ये तो हो गया आज की बात, बहुत देर हो गया, अब हम कल की बात करते हैं। ये कल एक्सपायरी डे में हम कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपायरी डे का लेवल बताता हूँ आपको, ठीक है? गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो हमें पता नहीं, हमें न्यूट्रल व्यू लेके चलना है। अब मैं इस जगह को मार्क करूंगा। कौन सी जगह को मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके और इस जगह को मैं मार्क करूंगा। 44,000 का लेवल आपको पता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एक व्यू लेते हैं कि मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन हो रहा है, 44,000 का पास ओपन हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको वेट करो, ठीक है? मान लो कि ऐसी जगह पे ओपन हुआ, धड़ाम से यहाँ पे आया, 3-4-5 मिनट यहाँ पे वेट करो। वेट करने के बाद जब ये रिवर्सल हो रहा है, ध्यान से समझना भाई, एक चीज समझ लो कि आपको डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा सर। ओके, कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ और सपोर्ट लिया और पॉजिटिव गया। ओके, अब इस सपोर्ट लेने का वेट करो, 3 मिनट का चार्ट लगाओ, 3 मिनट, क्लियर? सपोर्ट लेने का वेट करो, इसका हाई ब्रेक होने दो, एक ट्रेड डालो। कौन सी ट्रेड डालोगे? 44,000 का कॉल पे डालो, अदरवाइज 44,100 का कॉल पे डालो, थोड़ा इंदा मनी पे रहो। ओके, टारगेट कितना? एक्सपायरी के डे है, मिनिमम 20% आपको मिलेगा। खुश है आप 20% से? अगर आपके पास 20,000 रुपया है, 4,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, खुश है आप? तो कर लेना ये काम, क्लियर? चीज समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं यहां पे? ये सिनेरियोज होगा। अब ये जो पूरा कहानी, ये आपको अगला 6 से 7 मिनट के अंदर भी कवर हो सकता है। इसका हाई ब्रेक होगा, मैं बाइंग करूंगा। सपोर्ट कहाँ पे है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट 44,000,
टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत क्लियर है 44,000 पे। अब ये कंडीशन नहीं हुआ, दूसरा कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम सब लोग ना बैंक निफ्टी ट्रेडर्स, तो आई होप कि आप इसे अच्छा से समझ रहे हो, और समझने के बाद जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड डालना, देखना आप बैंक निफ्टी का हरा दोगे, यानी कि आप प्रॉफिट में रहोगे। सुबह में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाने का कोशिश किया। देखो मार्केट अगर पॉजिटिव जाने का कोशिश करेगा मॉर्निंग पे कल, और इस जोन के ऊपर चला जाएगा जो अभी हाई बनाया था ना, इस जोन के ऊपर सस्टेनेबल हो जाएगा, तो यहां से मार्केट पॉजिटिव जा सकता है। ओके, अदरवाइज क्या होगा, यहीं पे ओपन होके ये इसका रेजिस्टेंस जोन बन सकता है, और जैसे रेजिस्टेंस जोन बनेगा और यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अब इस जगह पे आप लोगे पुट, कौन सी पुट लोगे, 44,300 का पुट। जोन समझ लो, मैं कौन सी जोन पे बता रहा हूं, ये जोन और ये जोन, ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है, आप फंस जाओगे। आई समझ में, 44,250 एक जोन हो गया है और 44,000 हो गया है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आप यहां पे पुट ले लो 44,300 का, इसका ऊपर रिवर्स हो जाता है, आप बाइंग करने के बाद अगर रिवर्स हो जाता है तो क्लियरली आपको यहां पे स्टॉप लॉस लेना है। अदरवाइज फर्स्ट टारगेट आप 20% रखो, और सेकंड टारगेट अगर आपको पेयर पे ट्रेड कर रहे हो तो सेकंड टारगेट और थोड़ा सा आगे अपना एनालिसिस के हिसाब से रखो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या। अब बोलोगे सर कल मार्केट पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा ये बता दो, अब बोलोगे सर कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा ये बता दो, भाई हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आप मेरे साथ सहमत हो, अगर सहमत हो तो लाइक का बटन क्यों नहीं है अभी तक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटरडे से प्रॉफिट से लेना देना है। मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, आराम से बैठता हूँ धीमे धीमे पूरा दिन में, अगर एक से दो ट्रेड मुझे सही लगता है मैं ले लेता हूँ, काम खत्म। जिस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं स्टॉक ऑप्शन देखता हूँ। आज मैं आपको अदन एंटरप्राइज का ऑप्शन दिया था, आज मैं आपको दूसरा एक और फार्मा का ऑप्शन दिया था, तो जिस दिन मुझे यहाँ पे डर लगता है मैं इस ग्रुप में आपको ऑप्शन देता हूँ। अब चलिए गाइस, हम ये समझेंगे कि कल का पिन पॉइंट जो एंट्री लेवल रहेगा वो कहाँ रहेगा। देखो यहाँ पे डेटा प्रेडिक्शन बताता हूँ, और आपको ये इस वीडियो का ऊपर आई बटन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस लेवल को कैसे इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके, तो पहले आप इसे इस्तेमाल करो, इस वीडियो को देखो, आई बटन में जो वीडियो आ रहा था ना उस वीडियो को देखो, देखने के पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको इस लेवल को कैसे इस्तेमाल करें। क्लियर, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, इसके लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं देखता हूं निफ्टी का सही लेवल कहां पे मिलेगा, तो चलो गाइस निफ्टी का सही लेवल, निफ्टी के चार्ट पे आ गए हम, और यहां पे निफ्टी का जो सपोर्टिंग जोन, देखो इस जोन को, ये जो जोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जोन को अगर डाउन ब्रेक कर दिया, देखो रिलायंस का जो सेंटिमेंट मैं देख पा रहा हूँ, रिलायंस एक सपोर्ट पे आया है, और आईटी सेक्टर क्या क्या है, आईटी सेक्टर पॉजिटिव जाने का कोशिश तो कर रहा है, ऐसे चार्ट है ना आईटी सेक्टर को अंडे का, तो यानी कि आईटी सेक्टर पॉजिटिव जाने का चांसेस बना रहा है, आज मॉर्निंग पे भी पॉजिटिव जा रहा था बट रुक नहीं पाया, बैंकिंग सेक्टर इतनी तेजी से गिराया इसको, और रिलायंस ना ऐसी जगह पे है, तो रिलायंस अगर इस सिनारिस को डाउन ब्रेक नहीं करेगा कल, और यहाँ पे सपोर्ट लेके पॉजिटिवनेस आएगा, और आईटी सेक्टर का पॉजिटिव जाने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा बना रहा है, तो मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा। तो आप अगर अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये रिलायंस और आईटी का चार्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, 15 मिनट चार्ट पे ध्यान दो, क्या रिलायंस आज का लो को ब्रेक कर रहा है, अगर आज का लो को ब्रेक कर रहा है आप थोड़ा सा कम कॉल साइड में रहो, पुट साइड का व्यू ज़्यादा रखो। ओके क्लियर, तो हमने टेक्निकली तौर पे ये हमारा लेवल बन गया है, इससे नीचे आएगा तो भी मैं पुट साइड में रहूँगा, अदरवाइज ये जो जोन है इसका बीच में मैं रहूँगा। जोन समझ में आ गया ना, 18,510 ये जो 50 पॉइंट का मोमेंटम है इसका बीच में मार्केट ज़्यादातर बिताएगा, अगर शुरू का सेशन इसका ऊपर चला जाता है तो जाके हमारे को 18,600 का एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, 18,600 एक जोन बनेगा। अब मार्केट में मिराकल आ जाता है, अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो फिर बात की बात है, आपको दिख रहा होगा कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, क्या ऑप्शन चेन हमें बहुत क्लियरली कुछ दिखा रहा है क्या, तो अभी का अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन हमें बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि 18,600 से लेके और 18,500 का जोन जो है वो एक्सपायरी डे के लिए रह सकता है, अभी तक का ये डेटा है। क्या है यहाँ पे, एक नज़र में आपको पता चल जाएगा। ओके, एक नज़र पे पता चल जाएगा, हमारा ऑनलाइन क्लास में ये सारी चीज़ आपको स्पेशली बताया जाता है। ओके गाइज,
तो 18,600 से लेकर 18,500 ये ऑप्शन चेन आपको बता रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। ऑप्शन चेन इतनी बहुत क्लियरली कुछ नहीं बता रहा है कि किस जोन के अंदर रह सकता है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारे को 44,500 पे जा रहा है, ये काफ़ी दूर है। तो 44,500 हम तभी जाएंगे जब 44,250 के ऊपर मार्केट स्टेबल होगा। क्लियर? क्या दोस्त आपको ये समझ में आया अभी तक कि कल किस जगह पे हमें ट्रेड ले रहा है, किस जगह पे स्टॉप लॉस रखना है, एक से दो ट्रेड आप कहां पे ले सकते हो? क्लियरली जो मैं ये पॉइंट दिया हूं, इस पॉइंट को आई बटन का वीडियो के माध्यम से देखो, समझो और ट्रेड करो, और जो आज का रणनीति बताया हूं उस रणनीति के अकॉर्डिंग चलो। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।